हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीवाई बैफ एंड टीवाई बीबीआई का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर, जिसमें हम कवर करने वाले नया टॉपिक जिसका नाम है क्रेडिट मैनेजमेंट या रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे टॉपिक जिसका नाम है क्रेडिट मैनेजमेंट या रिसीवेबल मैनेजमेंट। पहले टॉपिक समझ लेते क्या। कोई भी बिजनेस कैश में नहीं डील करता है, 90% बिजनेस उधार पे चलता है, ये तो आपको मालूम है। 90% बिजनेस उधार में, बिना उधार के बिजनेस कर ही नहीं सकते। करने वाले करते हैं, बट एक टाइम तक, उसके बाद उनको भी मालूम है कि भाई उधार देंगे तो ही बिजनेस चलेगा, फाया नहीं। तो इस टॉपिक में हम क्या सीखने वाले, इस टॉपिक में यही सीखने वाले, उधार देने से बिजनेस को फायदा है कि नुकसान। क्रेडिट मैनेजमेंट हो सकता है कंपनी अभी एक महीने का उधार दे रही है प्रेजेंटली, लेकिन फ्यूचर में सोच रही है नहीं यार, एक महीने में इतना प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा है, अगर दो महीने का उधार देंगे हो सकता है ज्यादा बिजनेस होगा, ज्यादा बिजनेस होगा तो ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, उधार देने में बिजनेस बढ़ सकता है ना। हाँ जरूरी है, बिजनेस बढ़ तो सकता है, हो सकता है लॉस भी हो जाए, क्योंकि ज्यादा उधार दे दिया और सब निकल लिए तो लॉस भी हो सकता है। तो हम लोग इस टॉपिक में यही सीखने वाले कि आपका जो प्रेजेंट पॉलिसी जो चल रहा था उसके बेसिस पे कंपनी सोचेगी भाई हमारा पॉलिसी को बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए, उधार ज्यादा देना है कि कम देना। अगर ज्यादा दे रहे तो बढ़ रहा है क्या प्रॉफिट या कम हो रहा है प्रॉफिट, बस यही चीज है। बेसिक सा एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट लर्न कर लो काम हो जाएगा। क्या है वो, दो चीजें, एक है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और एक है एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड कॉस्ट, दो चीज को फाइंड करो। कॉस्ट प्रॉफिट में को कॉस्ट को माइनस करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, भाई मेरा प्रॉफिट इतना था, खर्चा इतना हुआ, खर्चा निकल गया तो क्या बचेगा, प्रॉफिट ही बचेगा, हाँ या नहीं। तो बेसिक है, अगर आपने लेवरेजेस करके एक टॉपिक पढ़ा रहेगा तो सेल्स लेस वेरिएबल तो कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, माइनस फिक्स कॉस्ट मिलेंगे तो प्रॉफिट आएगा। पहला एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मेट, सेल्स लेस वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कंट्रीब्यूशन में माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट मिल जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट डन, फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। सेकेंड पार्ट पे जाओ, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें है इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, इन्वेस्टमेंट डेटर्स मतलब हम डेटर्स को कितना उधार दे रहे हैं, आया नहीं, जिसका फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट या तो फिर सेल्स, दो चीज, वेरिएबल प्लस फिक्स या तो सेल्स, दोनों में से कुछ भी लिखेंगे, डिपेंड क्वेश्चन पे करता है। जब आपको क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं दिया है या वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया है, उस केस में इन्वेस्टमेंट डेटर्स आप क्या ले लोगे, सेल्स। एवरेज डेटर्स, एवरेज मतलब कितना दिन का आप उधार देते हो, तो जो भी आपको इन्वेस्टमेंट आएगा इनटू कितना मंथ्स डिवाइड बाय 12, कितना डेज डिवाइड बाय 365, डिपेंड डेज मंथ वीक जो दिया रहेगा वो लिखने का, बात समझा। एंड लास्टली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे मिलेगा, तो जो भी आपको इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स आया रहेगा उसमें आपको कहा जाएगा कि भाई 20%, 30%, 25% आपका खर्चा है। तो जो भी एवरेज डेटर्स है उसका 20, 25, 30 जो भी जितना परसेंट बोला रहेगा उतना परसेंट कैलकुलेट करेंगे और वो हमको क्या मिल जाएगा, वो हमको मिल जाएगा एवरेज डेटर्स। समझ में आया क्या, क्लियर है पक्का, बस इतना काम करने का। अब क्या, तो क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट मालूम है, कॉस्ट मालूम है, प्रॉफिट में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। क्लियर, नेट प्रॉफिट मिल गया है तो अपन कंपेयर करेंगे, भाई पहले इतना प्रॉफिट हो रहा था अब इतना है। कॉलम्स की बात करूंगा तो ये प्रेजेंट पॉलिसी के लिए मैंने आप कॉलम बनाया, कॉलेज के टीचर्स डायरेक्टली रुपीस का कॉलम बना देते, कैसे आता है वो बताते नहीं, तो मैंने इधर कॉलम बनाया, यूनिट रेट पर यूनिट कॉस्ट, यूनिट रेट पर यूनिट कॉस्ट, ऐसे मैंने 1, 2, 3, 4 पॉलिसी के लिए बना के रखा है। अब डिपेंड करता है कंपनी 4 पॉलिसी ले रही, 1 पॉलिसी ले रही है, 2 पॉलिसी ले रही, उनके ऊपर है। मतलब प्रेजेंट पॉलिसी तो रहेगा ही, उसके अलावा
एक दो तीन एक्स्ट्रा बना के रखा है, जितना लगेगा उतना फॉर्मेट यूज करेंगे। ठीक है, पक्का? स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। टेक्स्ट बुक के अंदर आपको मिल जाएगा ये, टीवाई बैफ के टेक्स्ट बुक में भी, टीवाई बीएमएस आईना पूरे टेक्स्ट बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर वन, कंपनी हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग प्रोजेक्शन फॉर अ ईयर। क्या दिया है? सेल्स दिया है 21,000 यूनिट का, सेलिंग प्राइस दिया है 40 रुपया, वेरिएबल प्राइस दिया है 25, टोटल खर्चा दिया है 35। टोटल खर्चा है 35, इसमें से वेरिएबल खर्चा है 25। इधर मेरा दिमाग चल गया क्या कि अगर टोटल 35 रुपया खर्चा कर रहा हूं, उसमें से 25 रुपया मेरा वेरिएबल है, तो बचा कितना? 10 रुपया, ये मेरा फिक्स कॉस्ट है। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? अपने आप आएगा, बताता हूं कैसे। यहां तक क्लियर? पक्का? चलिए ठीक है। क्रेडिट पीरियड अलाउड 1 मंथ, मतलब ये जो हम सेल्स वगैरह कर रहे हैं वो कितने मंथ्स के लिए कर रहे हैं? 1 महीने के लिए कर रहे हैं, मतलब ये मेरा प्रेजेंट पॉलिसी है। कंपनी प्रपोज टू इंक्रीज द क्रेडिट पीरियड अलाउड टू इट्स कस्टमर फ्रॉम 1 मंथ टू 2 मंथ्स, मतलब प्रेजेंट 1 महीने का उधार दे रहे थे तो हम प्रॉफिट निकालेंगे। अब कंपनी सोच रही भाई 1 महीने में ज्यादा कमा नहीं रहे, 2 महीने का उधार, मतलब ये प्रपोज पॉलिसी हो गया, नया पॉलिसी हो गया 2 महीने का। इट इज एनवेज दैट द चेंज इन द पॉलिसी एज अबव विल इंक्रीज द सेल्स बाय 8%। सेल्स 8% बढ़ा देगा अगर आप 2 महीने का उधार दोगे तो, ठीक है, अच्छी बात है। कंपनी डिजायर अ रिटर्न ऑफ 25% ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया था कॉस्ट दिया रहेगा, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो डेटर्स में, उसमें कितना खर्चा आने वाला है? 25%, जो फॉर्मेट आपका बनाया था मैंने यहां पे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना परसेंट मिला है? 25%, समझ में आया? तो इधर 25% कॉस्ट है। आगे बढ़ो, उसके बाद क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन एंड एडवाइज वेदर द प्रपोज क्रेडिट पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड या इंप्लीमेंटेड और नॉट। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेल्स यूनिट दिया है, कितना भाई सेल्स यूनिट? सेल्स यूनिट कितना है? 21,000 बराबर। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया है? देख लो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया है? 40 रुपया दिया है, बराबर। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिख लेता हूं 40 रुपया। अब यूनिट मालूम है, रेट में तो कॉस्ट मिल जाएगा ना। 21,000 इंटू 40 कर लो, चल। वेरिएबल खर्चा 25 रुपया दिया है, यूनिट तो सेम ही रहेगा 21,000। अरे हाँ, 21 इंटू 25, 5,25,000। सेल्स में वेरिएबल को माइनस करेंगे तो जो आंसर आता है उसे कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यूनिट कभी माइनस नहीं होगा। कितना? 3,15,000। 40 में 25 गया तो 15 बराबर है। टोटल खर्चा हुआ है 35, जिसमें से 25 हुआ था वेरिएबल के लिए, तो 10 रुपया तुम्हारा फिक्स खर्चा है। 15 प्लस 10 कितना हुआ? 25 हुआ। 25 रुपया इसका था, 10 रुपया ये था, तो टोटल खर्चा 35 हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, यूनिट 21,000 बराबर है। अरे समझा, चलिए ठीक है, कैलकुलेट कीजिए। 21,000 × 10 2,10,000 आएगा। यहां पे 15 लिख दो पहले, यहां 21,000 यूनिट, 10 रुपए के हिसाब से 2,10,000 माइनस कर देंगे तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा 21,000 यूनिट के लिए 5 रुपए के हिसाब से 1,05,000। ये मेरा प्रेजेंट पॉलिसी हो गया, इसमें कुछ भी डाउट? पक्का? ये मिल गया। अब ये फाइंड करता हूं, क्या मुझे वेरिएबल खर्चा मालूम है? हाँ। फिक्स खर्चा मालूम है? हाँ। तो इन्वेस्टमेंट रेटर्स का फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट नहीं मालूम है तो जो सेल्स है वो इधर लिख दूंगा। समझा मैंने क्या कहा? इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, डेटर्स में मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, जो वेरिएबल खर्चा है, जो फिक्स खर्चा है वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। वेरिएबल खर्चा है 5,25,000, फिक्स खर्चा है 2,10,000, दोनों को प्लस करेंगे कितना आ रहा है? 5,25,000 + 2,10,000, 7,35,000 बराबर।
तो यहां पे लिख लेता हूं 7,35,000। क्लियर, समझा? एवरेज डेटर्स, एवरेज डेटर का फॉर्मूला, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कितने मंथ के उधार के लिए, एक महीने के लिए, क्योंकि जो प्रेजेंट पॉलिसी है, प्रेजेंट पॉलिसी है वो एक महीने के लिए, प्रपोज पॉलिसी दो महीने के लिए आने वाला है, अभी मैं प्रेजेंट ही कैलकुलेट कर रहा हूं, तो एक महीना, तो 7,35,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 कितना आ रहा है, 61,250। ये मिल गया। इन्वेस्टमेंट इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना परसेंट है, 25% है। किसका, जो भी आपको एवरेज डेटर आया, एवरेज डेटर कितना आया है 61,250, इसका 25% वैल्यू निकालो, 15,312.5 है, 13 कर दूं, बात समझ में आ गया। अब देखो आपके पास दो प्रॉफिट आ गया, एक प्रॉफिट और एक कॉस्ट, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। कैसे, 1,05,000 में ये माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट कितना, 1,05,000 माइनस 15,313 कितना है, 1,05,000 माइनस 15,313 89,687 पॉइंट, मतलब 87 है, 313 है ना यहाँ पे, बराबर ना, अरे समझा, डन हो गया। ऐसा ही अब अपने को 2 months का पॉलिसी, तो पॉलिसी फॉर 2 months क्रेडिट। अब इधर क्या बोला था उसने, अगर आप 2 महीने का उधार दोगे तो आपका सेल्स 8% बढ़ने वाला है, बोला है ना, तो सेल्स 8% बढ़ने वाला है, तो क्या बढ़ने वाला मालूम है, यूनिट। ये नहीं, हमेशा एडजस्टमेंट यूनिट पे होगा, कॉस्ट पे नहीं, तो 21,000 का 8% इंक्रीज कर दो, 21,000 प्लस 8% इंक्रीज करो, कितना आ रहा है, 20,600 पक्का, समझ में आ गया। सेलिंग प्राइस तो सेम रहेगा क्योंकि उसके ऊपर कुछ बोला नहीं, तो 22,600 से इंटू 40 करो, कितना आ रहा है, 9,07,002। ये समझा, वेरिएबल खर्चे में कुछ चेंजेस बोला उसने नहीं, कितना था 25, तो अभी 25, खाली क्या बढ़ गया, यूनिट, समझा, तो 22,680 इंटू 25 कर दो, 5,67,000 बराबर है, ये माइनस होगा वेरिएबल खर्चा, तो मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 22,680 यहां पे 3,42,000 ये समझ में आ गया। माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, कितना कितना, 10 रुपया ना, बराबर ही कि नहीं, 2,10,000। सर ये क्या किया आपने, फिक्स खर्चा कभी चेंज नहीं होता है, फिक्स खर्चा कभी चेंज नहीं होएगा जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पहले फिक्स खर्चा प्रेजेंट पॉलिसी में कितना था, 2,10,000, अभी भी 2,10,000 ही रहेगा, फिक्स है ना वो, अभी भी फिक्स रहेगा, उसको यूनिट से कोई लेन देन होता नहीं है। पिछले सम में दिया था इस, मतलब इधर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कैलकुलेशन के लिए दिया था, अब इसके बाद जितने भी पॉलिसीज वो लेगा उसमें फिक्स खर्चा सेम रहेगा जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आता है तब तक, समझा। हमेशा इधर को फिक्स कॉस्ट कभी बदलता नहीं है, तो फिक्स्ड विल बी ऑलवेज फिक्स, ठीक है। चलिए तो यहां पे आ जाएंगे 22,680, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट का कुछ काम नहीं है तो निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पे आ जाएंगे 22,680, इसमें इसको माइनस करके आंसर बता दो कितना आ रहा है, 30,000। क्लियर, अब आ जाते इसके कैलकुलेशन पे, इधर क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट रेट, वेरिएबल प्लस फिक्स, वेरिएबल खर्चा मालूम है, फिक्स खर्चा मालूम है, दोनों को प्लस कर लो कितना आ रहा है, देखो 7,77,000 बराबर है, ये मिल गया।
कितना महीने का उधार दिया आप यहां पे, 2 months का, तो 7,77,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ रहा है, 1,05,000 बराबर है। जो भी आया है उस पर कितना 25% है, इसका 25% वैल्यू ले लो, 32,375 पॉइंट कुछ है क्या, ये समझ में आ गया। तो भाई इससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट। कैसे फाइंड करेंगे प्रॉफिट, ये मालूम है, कॉस्ट मालूम है। अभी मैंने क्या बताया, ए माइनस बी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ए माइनस बी कर दो कितना आ रहा है, 1,32,000 माइनस 97,825। अब खुद डिसाइड करो, पहले मैं कितना कमा रहा था एक महीने में 89, अब कितना कमा रहा हूं 97, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है बताओ, इसमें से माइनस करो, पॉलिसी बेनिफिट कितना हो रहा है देखो जरा, 97,825 माइनस 89,687 कितना, 100 प्रॉफिट हो रहा है तो उधार देना बनता है, अगर लॉस होता तो उधार देता क्या मैं, तो क्वेश्चन में पूछा था कि भाई ये पॉलिसी कैलकुलेट करो और बेनिफिट आ रहा है या नहीं वो बताओ, पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं, तो मेरे हिसाब से पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। समझा सम, फॉर्मेट फिर से एक बार, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, सेल्स लेस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट, सिंपल था। इधर तीन चीजें, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगा, वेरिएबल प्लस फिक्स करके। एवरेज डेटर कैसे मिलेगा, जो भी इन्वेस्टमेंट है कितने मंथ के लिए बोला है, और फिर उसके बाद परसेंटेज दिया रहेगा वो निकालो, प्रॉफिट में से कॉस्ट को माइनस करो प्रॉफिट, ऐसे जितने पॉलिसीज रहेंगे उतनी बार सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हुआ, पक्का 100%। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, द प्रेजेंट एनुअल सेल्स ऑफ द कंपनी एक्स अमाउंटेड टू ₹40 lakhs एट 10 पर यूनिट। प्रेजेंट कंपनी का सेल्स दिया है ₹10 के हिसाब से, वेरिएबल खर्चा ₹3 पर यूनिट दिया है, फिक्स खर्चा साल भर का 3 lakh दिया। जो प्रेजेंट क्रेडिट पॉलिसी वो कितने मंथ्स के लिए है भाई, 1 month के लिए, कितने मंथ्स के लिए बोला है, 1 month के लिए बराबर, विच इज प्रपोज टू एक्सटेंड टू 2 and 3 months। मतलब यहां पे कितने पॉलिसीज आ गए, 2 extra, प्रेजेंट तो है उसके अलावा 2 months और 3 months का प्रपोजल आया। आगे क्या बोला है, Whichever appears to be more profitable, कौन सा profitable है वो अपन accept करने वाले ready है, due to extension in credit policy, sales will increase by 10% and 25%। अगर 2 महीने का उधार दोगे तो 10% sales बढ़ेगा, 3 महीने का उधार दोगे तो 25% बनेगा। The company required pre-tax return at least 20%, मतलब ये क्या है, cost, for the level of risk involved in evaluate the profitability। Clear हुआ, यहां पे कितना कॉलम बनने वाला है, प्रेजेंट तो बनेगा ही, 2 months का उधार, 3 months का उधार, समझा, मतलब प्रेजेंट पॉलिसी के साथ साथ ये प्रेजेंट पॉलिसी है, प्रेजेंट पॉलिसी ये 1 महीने का उधार के लिए, फिर 2 months और फिर 3 months बराबर, फॉर्मेट यही रहने वाला, कुछ भी चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट सेल्स दिया था 40 lakh का बराबर है, और रेट पर यूनिट दिया था 10, तो यहां पे यूनिट कितना आएगा, 4 lakh। कैसे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यूनिट मिलेगा ना, यूनिट क्यों फाइंड किया, बिकॉज इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो पर यूनिट पे दिया है। जैसे वेरिएबल खर्चा, वेरिएबल खर्चा कितना दिया है चेक करो जरा, तो वेरिएबल खर्चा दिया है ₹6 पर यूनिट, आया नहीं, यहां पे वेरिएबल कॉस्ट 6, यूनिट कितना, 4। अब ये कॉलेज में नहीं बताते, डायरेक्टली वो लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो 4 lakh इंटू 6, 24 lakh बराबर है, तो यहां पे यूनिट विल बी 4 lakhs ओनली, यूनिट कभी बदलता नहीं है ध्यान में रखना, ये आ जाएगा 4 lakh यूनिट, 4 इसमें 24 माइनस करेंगे तो 16 lakh आएगा, ये हो गया, माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट जो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया 3 lakh रुपए, मैंने कह रहा हूं क्वेश्चन कह रहा है, देख लो क्वेश्चन में क्या दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट इज 3 lakh पर एनम, चलिए ठीक है, तो भाई यूनिट तो सेम रहेगा, 16 में 3 माइनस करेंगे तो अपने को प्रॉफिट मिल जाएगा, कितना आ रहा है प्रॉफिट देखो जरा,
16 में 3 मतलब 13 लाख ना, प्रेजेंट पॉलिसी हो गया, समझ में आया ये। अब प्रेजेंट पॉलिसी होने के बाद ये कैलकुलेशन आ जाएगा। क्या फिक्स वेरिएबल और फिक्स मालूम है? हाँ जी, वेरिएबल फिक्स दोनों मालूम है। तो इसका फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, बराबर। तो वेरिएबल है 24, फिक्स है 3, टोटल आ जाएगा 27 लाख। क्लियर? 27 लाख में कितने महीने का उधार है? जो भी इन्वेस्टमेंट है इनटू मंथ डिवाइड बाय 12, इन्वेस्टमेंट कितना है 27 लाख इनटू 1 डिवाइडेड बाय 12 व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 2,25,000। एक 2,25,000, डन। समझाइए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना परसेंट रिटर्न मांग रहा था कंपनी? 20%। देखो 20% है लॉस अपना, तो 25 लाख का कितना परसेंट निकालोगे? 20%। तो इसका 20% निकालो, 45,000। समझ में आ गया? प्रॉफिट निकाल सकते हो कैसे? 13 लाख में 45,000 माइनस करके, तो 13 लाख में 45 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 12,55,000। पहला प्रेजेंट पॉलिसी डन। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। उसने क्या बोला है? अगर आप 2 महीने और 3 महीने का उधार दोगे तो आपका सेल्स 10% और 25% बढ़ेगा, इंक्रीज होगा बाय, बराबर है। तो भाई अब अपने को देखना है सेल्स कितना था, 4 लाख। इधर 10% बढ़ेगा और इधर 25% बढ़ेगा, यूनिट का, पर यूनिट नहीं। तो 4 लाख का 10% यानी कि 4,40,000, बराबर। 4 लाख का 25% वैल्यू, 25% मतलब 1,000, अरे 1 लाख आएगा शायद, तो 5 लाख हो जाएगा। देखो करके, कैलकुलेटर आप लोग के पास है, 4 लाख प्लस 25%, 1 लाख आएगा, मतलब 5 लाख हो गया। अरे समझा? यूनिट क्लियर? रेट पर यूनिट सेम है, 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, तो ये होएगा 44 लाख, बराबर, देख लो। और ये हो जाएगा 50 लाख, 10 रुपए से ना, समझा? बेसिक कर रहा हूं ना भाई, मल्टीप्लिकेशन। वेरिएबल खर्चा सेम है, 6 रुपया 6 रुपया, क्योंकि इस पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। तो ये 4,40,000 के लिए और ये 5 लाख के लिए, इधर कैलकुलेट करो, इधर मैं कर लेता हूं 30 लाख, 26,40,000, ये समझा? इधर 30 लाख बराबर माइनस कर दो फटाफट, तो अपने को मिल जाएगा यहां पे 17,60,000, और इधर 5 लाख, 4 रुपए के हिसाब से 20 लाख, ठीक है, समझा? डन। फिक्स कॉस्ट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, फिक्स हमेशा फिक्स रहेगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। पहले भी 3 लाख, अभी भी 3 लाख, पहले 3 लाख, अभी भी 3 लाख, समझ में? तो माइनस कर दो, यहां पे आ जाएगा आपको, यहां पे आएगा 14,60,000, यहां पे 17 लाख, डन। ये मिल गया, आ जाते हैं यहां पे, सेम वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट करना है। वेरिएबल कॉस्ट मालूम है, फिक्स कॉस्ट मालूम है, 29,40,000, 26 और 3, यहां पे 30 प्लस 3, 33 लाख। बेसिक समझ में आ गया? अभी इधर 2 महीने का उधार देना है, तो 29,40,000 इनटू कितना मंथ्स, 2 डिवाइड बाय 12, इधर 33 लाख इनटू 3 डिवाइड बाय 12। अब कॉलम के हिसाब से आप देख रहे हो, तो इधर आप ब्लैंक कॉलम में आपका तो अंडरलाइन रहेगा, नहीं करोगे इधर अंडर, इतने में अंडर है, एक कॉलम बनाओगे इधर ब्लैंक छोड़ोगे तो भी चलेगा, ये कैलकुलेशन में एक ही कॉलम चाहिए, ठीक है? कितना आ रहा है? 4,90,000 और 8,25,000, चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है? 20%, तो भाई इसका 20, इसका 20%,
बराबर है 98,000, यहां पे 20% कितना 1 लाख, पक्का 60 और 50 पक्का ना, 1,65,000। चलिए ठीक है, क्लियर। अब इसमें ये माइनस, इसमें ये माइनस, मेरे को गड़बड़ लग रहा है बाकी आप बोल रहे हैं, बराबर है। चलिए इसमें ये माइनस कर दो, एक मिनट बेटा, कितना आ रहा है 13,62,000 और इधर 15,35,000। तुम सोचोगे सर इधर जगह क्यों, हो सकता है कुछ और एक्स्ट्रा खर्चा है इसके लिए जगह छोड़ा है। कभी कभी और एक्स्ट्रा खर्चा होता है तो अपने गोली के दोनों खर्चा को ऐड करके माइनस करना पड़ेगा। अभी इस केस में एक ही खर्चा था 20% वाला, कभी कभी और खर्चा आएगा तो इसके नीचे और एक्सपेंसेस लिखूंगा, ये खर्चा और एक्सपेंस दोनों ऐड करके प्रॉफिट से माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाले। एक दो एक्सपेंसेस और आ सकते इसलिए मैंने जगह छोड़ा, ठीक है। चलिए अब जब बताओ, पहले था 12,55,000 का प्रॉफिट, 2 महीने का उधार दिया तो 13 लाख हो गया, 3 महीने का उधार दिया तो 15 लाख हो गया, मतलब बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ रहा है। तो बेस से इसको कंपेयर करेंगे तो 13,62,000 में 12,55,000 को माइनस कर दो, 1,07,000 इस प्रॉफिट इस पॉलिसी में बेनिफिट हुआ, 15,35,000 में 12,55,000 को माइनस कर दो, 2,80,000। अरे समझा, तो कौन सा पॉलिसी बेटर लग रहा है, प्रेजेंट 2 या 3? 3, समझ गया, सम हो गया टॉपिक, इतना ही, क्लियर हुआ। फॉर्मेट समझ लो, क्योंकि कंफ्यूजन ना इसमें होता है, लिखने में टीचर बहुत कुछ ना कुछ लिखवा देते हैं इसके अंदर, मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज है वो निकाल के खाली लिख दिया। मार्क्स मिलेंगे, अरे डेफिनेटली मिलेंगे, समझ में आया क्या? होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।